बड़ी हिंसा, बड़ा आतंक, दूसरों को गुलाम बनाना, दूसरों का शोषण करना, करीब करीब 3/4 दुनिया पे पश्चिम के छोटे छोटे मुल्कों ने सैकड़ों साल तक शासन किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। तो ये दो संस्कृतियां पूरब की और पश्चिम की बिल्कुल अलग अलग आयामों में विकसित हुई। निश्चित रूप से दोनों के कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट हैं। पूरब में शांति है, संतोष है, अंतर्मुखता है, धर्म की जिज्ञासा है, ध्यान में डूबने की अभिलाषा है। पश्चिम में धन दौलत है, सुख सुविधा है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, भीतर मन में बहुत तनाव है। आज डिप्रेशन की बीमारी जितनी कॉमन हो गई है इतनी कभी नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन, जीवन का अर्थ क्या है, पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिक सवाल उठाते हैं और वे कहते हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन बिल्कुल निरर्थक है। सच पूछो तो समझदार आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, दैट इज द ओनली आंसर। जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता, जीवन से कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं बचा, क्योंकि वो जो ऊंचे शिखर थे आत्मा को जानने के, परमात्मा को जानने के, वो वहाँ है ही नहीं। तो जैसा कि शिखर जी ने कहा, कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर रेंगते हुए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ओशो ने हमें एक नई दृष्टि दी, उन्होंने कहा पूरब का योगदान अध्यात्म का, ध्यान का, और पश्चिम का योगदान विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, इन दोनों का सम्मिलन, इनका सामंजस्य, इनका एक संतुलन होना चाहिए। तो इसी को उन्होंने संक्षेप में कहा जोरवादी बुद्धा, अर्थात पूरब और पश्चिम का मिलन। संक्षेप में हम कह लें, ध्यान कहा कि सुविधा में और समाधि में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, हम सुख सुविधा पूर्वक एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए परमात्मा को जान सकते हैं, सच्चिदानंद को जान सकते हैं, इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। पिछले इतिहास को उठा के देखें तो हमारे मन में ऐसी धारणा बस गई है कि भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, भगवान महावीर ने सब त्याग दिया, ऐसा लगता है कि तब जाकर उनको शांति और आनंद और मोक्ष और निर्वाण की उपलब्धि हुई, जबकि मामला ऐसा नहीं है। वे राजमहल से आए थे, एक झोरवा की जिंदगी, संसारी की जिंदगी उन्होंने भरपूर जी थी, और तब जाके उसके बाद अध्यात्म का पौधा विकसित हुआ था। यदि हम एक वृक्ष को देखें और हमें मालूम ना हो कि जमीन के नीचे भूमिगत इसकी जड़ें हैं, हम ऊपर ऊपर लहराते वृक्ष को देखकर उसकी हरी भरी पत्तियां और रंग बिरंगे फूल और उनसे उड़ती सुगंध को देख कर प्रभावित हो जाएं और सोचें कि हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि फूल खिलें, बाहर आए, और हमें जड़ों का कुछ पता ना हो, और हम ऊपर ऊपर की कोशिश करेंगे, क्या हमारी कोशिश कभी सफल होगी? कभी सफल नहीं होगी। जड़ों को खाद पानी देना जरूरी है, यदि जड़ें विकसित होंगी तो ऊपर वृक्ष लहलाएगा, और जड़ें अगर सूख गई, कुमला गई, उनको खाद पानी नहीं मिला, तो ऊपर का वृक्ष सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसी भूल चूक हो गई, हमने अपने महापुरुषों को जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं।